तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर माइनर आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1947 तक, जो कि आपका इतिहास हिस्ट्री का पेपर है। आज हम आपको इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देने वाले हैं। मैंने फर्स्ट पेपर मेजर अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इनसे आउट ऑफ आपका जो है क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा दोस्तों एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण एवं परिणाम बताइए। प्लासी के युद्ध के कारण एवं परिणाम बताइए। बॉक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम बताइए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका आउट ऑफ पेपर नहीं जाएगा दोस्तों, आप इसे ज़रूर करना, ठीक है, और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लॉर्ड बेलजली की सहायक संधि की शर्तों व परिणामों महत्वों का वर्णन कीजिए। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा महाराज रंजीत सिंह और उनकी उपलब्धियों को समझाइए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यवगत की नीति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 1857 क्रांति के कारण परिणाम व प्रकृति का वर्णन कीजिए। यह क्रांति किन कारणों से असफल हो गई थी, ये आपको कारण बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नवा है दोस्तों हमारा, आप देख सकते हैं 19वीं सदी में हुए भारत पुनर्जागरण आंदोलन के कारण और परिणाम बताती हुई इसमें राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान बताइए। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जितने भी बता रहा हूँ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने यहाँ से जो है ओनली 19 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन निकाले, ठीक है, पूरे सॉल्व करके जरूर जाइएगा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, इनका जो घोषणा पत्र है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन सिवान्य अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण व परिणाम बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टिप्पणी लिखिए, ठीक है, द्वैत शासन पर टिप्पणी लिखिए। वैरन हेंडेंच के सुधारवा कार्यों का वर्णन कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है टिप्पणी में जितने भी मैंने दिए हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका लक्ष्मीबाई अवंतीबाई वैजाबाई, ठीक है। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जलियावाला बाग हत्याकांड नरम एवं गरम दल बंगाल विभाजन, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है, नरम दल और गरम दल। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समझाइए। लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड स्पेन के आंतरिक प्रशासन को समझाइए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी के रूप में जो है यहाँ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन शिवन्य अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्वराज दल भारत का विभाजन गोलमेल सम्मेलन क्रिप्स मिशन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, ठीक है। तो आज थे ये दोस्तों हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आपका जो है आउट ऑफ पेपर नहीं जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। और हाँ मैंने मेजर का पेपर जो है अपलोड कर दिया है, आप उसे भी ज़रूर देख लेना, मैंने उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है, और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।